नमस्कार दोस्तों, तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक क्लास कर चुकी हैं। आज ये दूसरी क्लास है, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाए। कोशिश क्या कर ही देंगे। चलो देखने आपको पूरी क्लास है, जब भी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाली है। चलो दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट में पॉइंट है कि यहाँ ये मेरा कोई पॉइंट है एक्स, या कोई कुछ भी कह दो, पी कह दो, कुछ भी कह दो, जो भी नाम आपको पसंद है। ये कोई पॉइंट है वाई, यहां से कोई बंदा ए चलता है जिसकी स्पीड है ऐसे, और वाई वाई पॉइंट से कोई चलता है जिसकी स्पीड है, बंदा बी चलता है जिसकी स्पीड है एस बी, और ये बीच में है। बीच में मतलब सेंटर में नहीं, कहीं पर भी मिलते हैं, मुझे नहीं पता, कहीं मिलते हैं। पॉइंट पी कह दिया मैंने, तो यहां पर ए आया और बी दोनों मिले यहां पर। दोस्त अब यहां से ए जो है टाइम टी लेता है वाई तक पहुंचने में, और बी जो है टाइम टी भी लेता है एक्स तक पहुंचने में। क्या यहाँ x पॉइंट से a चलता है ऐसे की स्पीड से, y पॉइंट से b चलता है एस बी की स्पीड से, बीच में दोनों मतलब x और y के बीच में, सेंटर में नहीं कहा मैंने, कहीं भी बीच में p पॉइंट पर ये मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं। दोनों की बराबर स्पीड होगी तो सेंटर में मिलेंगे, लेकिन बराबर नहीं होगी तो इधर उधर मिलेंगे। चलो दोस्त, वहां मिलने के बाद अब वहां से a जो इधर से चला था वो y पे पहुंचने पर t a टाइम ले रहा है, और b जो इधर से चला था वो एक्स पे पहुंचने पर टी भी टाइम ले रहा है। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि मेरा एस ए वाई मतलब स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी। कहां से? यहां पी पॉइंट से पी पॉइंट के बाद एक्स तक पहुंचने पर बाई टी ए, ये रिलेशन होता है। कैसे आया वो देखती है, ठीक है, एक बार लिख लेना इसे। चलो अब दोस्त, ये यहां से यहां पर मिला और ये यहां से यहां आया, दोनों में मतलब टाइम तो उतना ही लिया है, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं चलना। दोस्त सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, बीच में कहीं मिलते हैं, मतलब टाइम सेम लिया है, मतलब टाइम मेरा क्या हो गया इस केस में कॉन्स्टेंट, टाइम मेरा कांस्टेंट हो गया जब वो पी पॉइंट पर मिले। और दोस्त मैं जानता हूं कि टाइम मेरा कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है, मतलब d1 by d2 is equals to s1 by s2 हो जाता है। चलो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी। अब दोस्त डिस्टेंस ए ने कितना ट्रेवल किया, ए ने एक्स पी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स पी यहां से यहां तक, अब एक्स पी है कितना। अब दोस्त मैं ए के टर्म में बात करूं तो ए की स्पीड तो पता है, लेकिन यहां से यहां तक का मुझे कुछ ए ने कितने टाइम में कवर किया ये नहीं दे रखा। लेकिन यहां से मुझे बी का पता है कि बी ने यहां से यहां तक टाइम लिया है टी बी, और स्पीड है बी की एस बी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस बी टी बी, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड ही तो डिस्टेंस होता है। उसी तरीके से पी से वाई तक मेरे को पता है कि ए ने टाइम टी ए लिया है और स्पीड कितनी है ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस ए टी ए। आ रही है बात समझ में? चलो मतलब ये कितना है एस बी टी वी, ये एस ए टी ए। दोस्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, ए ने कितना चला है एक्स पी, और वो डिस्टेंस कितना है एस बी टी वी, मतलब मैं यहां लिख दू एस बी TB अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, B ने कितना चला है Y से P तक, और Y से P तक डिस्टेंस कितना है SATA, तो SATA किसके इक्वल है दोस्त, ये SAY SB, SASB पता ही है स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B टाइम टेकन बाय B, यहां से जितना लिया है, और TA इसने A ने Y तक पहुंचने पर जितना लिया है P से। तो दोस्त यहां से क्या रिलेशन आया,
ऐसे इधर ले आऊं, एस भी उधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे इधर ले आया, ऐसे एस भी इधर ले आया, एस भी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी वी बाई टी ए, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बी बाई टी ए। हाई बात समझ में कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये भी पूछ सकता है कि बी को पी तक आने पर कितना टाइम लगा, या ए को, दोनों आए तो बराबर टाइम में है क्योंकि सेम टाइम पर चलना शुरू किया था, तो वो टाइम क्या है, मीटिंग टाइम क्या है। तो मैंने मीटिंग टाइम को टी कह दिया, क्या कह दिया, टी, ये टाइम मैंने टी कह दिया, तो ये भी तो टी है जो ए के द्वारा करा है क्योंकि दोनों बराबर समय पर मिल रही है। अब कहीं से भी ले लो, टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला, चलो भाई ये वाला लेता हूं। तो दोस्त इतना डिस्टेंस कितना है, एस ए टी ए, और यहां बी कवर कर रहा है ये वाला, तो डिस्टेंस कितनी स्पीड से, एस बी, तो बाई एस बी। और दोस्त मैं जानता हूं एस ए बाई एस बी कितना आया है अभी, रूट बी, सॉरी रूट टी बी बाई रूट टी ए, और इंटू टी ए है ही दोस्त, ये रूट में है तो ये इससे कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट टी ए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, दोनों रूट में है तो दोनों को अंदर ले आओ एक ही, टी ए टी बी, तो मतलब कितने समय बाद मिलेंगे वो, उसका रिजल्ट क्या है, अंडर रूट टी ए इंटू टी बी, और टी ए क्या था, जो ए ने यहाँ पी से वाई तक समय लिया है, और टी बी क्या था, जो पी से एक्स तक बी ने समय लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी नहीं है कि वो केवल ये या यही पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि पूरी जर्नी में बी ने कितना समय लिया है। तो दोस्त पूरी जर्नी में बी ने कितना लिया है, यहां से यहां तक टी और यहां से यहां तक टी बी, तो मैं क्या करूंगा, ये निकालूंगा उसमें टी बी जोड़ दूंगा। इसी तरीके से ए ने कितना समय लिया है, तो मैं टी निकालूंगा जो यहां से यहां तक का समय आया है, फिर उसमें टी ए जोड़ दूंगा। तो मतलब मैं ए की पूरी जर्नी में कितना समय लगाया, बी की कितने समय लगाया, वो भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जैसे 2018 के प्री में काफी स्विफ्ट में आया था, मेंस में भी आया था, आता है ये क्वेश्चन काफी, और डायरेक्ट आता है, यहाँ आपको स्पीड दे दी, जैसे ये है ना रिलेशन, इस पर ज्यादा आता है, ए की स्पीड दे देगी, दोनों का टाइम का रेशियो दे देगा या टाइम दे देगा, और आपको दूसरे की स्पीड पूछेगा, या फिर दोनों का स्पीड का रेशियो दे देगा, एक का टाइम दे देगा, दूसरा टाइम पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले में, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेटिव स्पीड, क्या पढ़ेंगे हम, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब दोस्त किसी के रेस्पेक्ट में स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में दो होते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन में यदि दोनों बंदे जा रहे हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर अपोजिट। जब दोस्त मान लो ये मेरा ए है, ये एक्स की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी है, ये वाई की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस। कैसे दोस्त, जब भी ये, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, क्या ये कभी कवर हो पाएगा यदि वाई बड़ा हो जाए एक्स से, तो आप कहोगे कभी नहीं, ये डिस्टेंस और बढ़ता ही जाएगा। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तब हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, तब ये उतना ही बरकरार रहेगा। ये कब कवर हो पाएगा, जब मेरा एक्स बड़ा होगा वाई से, तभी तो कवर हो पाएगा। और जो ये डिस्टेंस कवर हो पाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, जितनी ये ज्यादा होगी, जितनी स्पीड इससे ज्यादा होगी, वो स्पीड इस डिस्टेंस को कवर कर रही होगी। मतलब जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो मेरी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एस आर, आर बोले तो रिलेटिव। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस। ऑब्वियसली बात है, जो पीछे से आ रही है गाड़ी या जो भी चीज है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में मान लो ए यहां से चल रहा है एक्स की स्पीड से, बी यहां से चल रहा है वाई की स्पीड से,
दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये जो डिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्त, केवल एक्स पर नहीं, केवल वाई पर नहीं, दोनों के समेशन पर। ये भी तो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस और ये भी कवर कर रहा है, मतलब दोनों स्पीड द्वारा कवर किया जा रहा है वो डिस्टेंस। तो ये जो अब रिलेटिव स्पीड होगी इनकी वो क्या होगी, दोनों का सम। मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू दोनों का सम, अपोजिट डायरेक्शन। अब दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में ये भी तो हो सकता है, ये तो एक दूसरे की तरफ आ रही है, हो सकता है एक दूसरे से दूर जा रहे हो, अवे फ्रॉम ईच अदर। दोस्त ये ए है एक्स की स्पीड से, ये बी है वाई की स्पीड से। अब इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, और वो दूरी जो बढ़ रही है वो किस पर करेगी, जितनी ज्यादा एक्स और वाई की वैल्यू होगी उतनी बढ़ती जाएगी। तो मतलब अब ये एक्स पर ही थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है ना, वाई पर, दोनों के समेशन पर ही तो डिपेंड कर रहा है। ये भी वाई भी की स्पीड से चल रहा है, ये भी एक्स की स्पीड से, दोनों दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये किसकी स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के समेशन पर, दूरी बढ़ती जाएगी। तो इस केस में भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। मतलब जब सेम डायरेक्शन हो तो डिफरेंस से आएगी रिलेटिव स्पीड, जो अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट में टूवर्ड्स ईच अदर भी हो सकता है, अवे फ्रॉम ईच अदर भी हो सकता है, तो जो स्पीड है वो किससे आएगी, समेशन से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही याद रखना है अभी आपको। चलो और एक बात और याद रख दी है, मान लो कोई दे रखी है, कह दिया ये 12 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आ रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और जो डिस्टेंस दिया है आपको वो दे दिया मीटर पर सेकंड में, वो सॉरी मीटर में, तब आप इसको यहां पर मीटर पर सेकंड में नहीं बदलोगे, तब आप इसकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे, उसको फिर मीटर पर सेकंड में ही बदलोगे डायरेक्ट। ये नहीं कि पहले मैंने यहां इसे मीटर पर सेकंड में बदल लिया, फिर इसे यहां बदल लिया, अब दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल रहा हूं, नहीं, कभी भी कुछ किलोमीटर पर सेकंड में और सब मीटर वगैरह में है, मतलब मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और रिलेटिव स्पीड की जरूरत है, तो कभी पहले रिलेटिव स्पीड निकालोगे किलोमीटर पर आर में, फिर उसे चेंज करोगे मीटर पर सेकंड वगैरह जो भी है वो, ठीक है, पहले चेंज करके फिर नहीं निकालना। चलो दोस्त अगला पॉइंट, दोस्त मान लो कोई डिस्टेंस डी है, कह रहा है कि यदि ये S1 की स्पीड से जाए, मतलब कोई बंदा S1 की स्पीड से जाए, तो वो डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में T1 टाइम लेता है, और यदि S2 की स्पीड से जाए तो वो T2 टाइम लेता है, उसी स्पीड उसी डिस्टेंस को कवर करने में। दोस्त यहाँ पे एक मैं वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था मैंने कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट वाला, उससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, और एक हम रिलेशन देखेंगे दो, उनसे भी सॉल्व कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करा है कि लास्ट में मतलब पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाए, उसकी बात करेंगे दोनों तरीके लगा के, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो देखना, हालांकि दोनों से आने चाहिए। चलो कुर्सी से ये इससे लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कहीं कहीं उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपको दोनों पता होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या कहा मैंने, सेम डिस्टेंस, S1 की स्पीड से जाता है तो T1 टाइम, S2 की स्पीड से जाता है तो T2 टाइम। अब दोस्त मुझे बताओ रिलेशन बनाएंगे, दो रिलेशन बनेंगे, दोनों याद रखना, एक बार मैं डिफरेंस ले रहा हूँ T1 और T2 का, दोस्त यहां मैं T2 और TB1 भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं एंड में डिफरेंस कहूंगा, देखना दोस्त यहां से T1 कितना हो जाएगा, T1 होता है डिस्टेंस मतलब टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 कितना होगा, डिस्टेंस कितना है S1 और स्पीड कितनी, सॉरी डिस्टेंस कितना है डी और स्पीड कितनी है S1, माइनस T2, डिस्टेंस डी और स्पीड S2। तो दोस्त T1 माइनस T2 किसके इक्वल आया, डी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरा S1 S2 और ये ऊपर हो गया S2 माइनस S1 किसके इक्वल, T1 माइनस T2, और दोस्त डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख दू S1 S2 इंटू T1 T2, अभी मैंने बीच में साइन नहीं लगाया कोई, S1 S2। तो दोस्त यहां मैं साइन माइनस का नहीं लगा रहा, मैं डिफरेंस का लगा रहा हूं, ये क्या है T1 और T2 के बीच का डिफरेंस, अगर मैं यहाँ T2 माइनस T1 करूंगा जब रिलेशन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, मतलब मुझे T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 नहीं निकालना, मुझे उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए इस केस में, डिफरेंस। इसी तरीके से उनके बीच का जो स्पीड है उनके बीच का क्या चाहिए,
डिफरेंस। तो एक रिलेशन याद रखना, d इज इक्वल टू एस वन एस टू इंटू टी वन और टी टू का डिफरेंस अपॉन एस वन और एस टू का डिफरेंस। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर मिलेंगे मुझे बहुत केसेस में। चलो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस कैसे, मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई बंदा किसी स्पीड से जा रहा है, किसी भी स्पीड से, वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन और दूसरी स्पीड दे दी कि इस स्पीड से जा रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। यहां 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहां 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो दोस्त अंतर कितना हो गया, 5 और 10 में 15 का। मतलब मुझे वो डिफरेंस पता करना है। कुछ कह दिया कि इस स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, इस स्पीड से जाए तो वो 5 मिनट बाद पहुंचता है, तो अंतर कितना हो गया, 10 और 5 5 का। यहाँ पे मैंने 10 और 5 जोड़ दिए थे क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, एक में जल्दी एक में देर बोल दिया था, यहाँ दोनों में लेट ही पहुंच रहा है तो मैं डायरेक्ट घटा दूंगा। मैंने क्या कहा, यहाँ सब्ट्रैक्ट वगैरह मत करने लगना, डिफरेंस चाहिए मुझे। जब क्वेश्चन करेंगे कुछ नहीं है इसमें। चलो तो ये रिलेशन याद रखना है, d इज इक्वल टू एस वन एस टू इंटू टी वन, सब मतलब अब माइनस डिफरेंस चाहिए बेसिकली, टी वन टी टू का डिफरेंस अपॉन एस वन एस टू का डिफरेंस। चलो और दोस्त अगली बात करूं, यदि मैंने दोनों टाइम को ऐड कर दिया टी वन प्लस टी टू तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई एस वन प्लस डी बाई एस टू। क्या कहा मैंने, दोनों टाइम को पहले तो घटाया था, मतलब मैंने डिफरेंस लेना था मुझे, तो यहां अब के मैंने जोड़ दिया, तो यहां से मैंने डी कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, एस वन एस टू, ऊपर भी एस वन प्लस एस टू। अब प्लस में तो डिफरेंस कुछ अलग होता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं डी इज इक्वल टू एस वन एस टू इंटू टी वन प्लस टी टू अपॉन एस वन प्लस एस टू। तो मेरे को ये दोनों रिलेशन ही याद रखनी है, जब सेम डिस्टेंस हो, एक एस वन से जाए तो टी वन टाइम, एस टू से जाए तो टी टू टाइम। अब मुझे जब क्वेश्चन में ये देखना होगा कि मुझे टी वन और टी टू का मिलाकर दिया हुआ है टाइम, या टी वन और टी टू का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों समय को मिला के दिया है कि दोनों में इतना मिला के समय लग रहा है, या फिर ये दे रखा है कि मेरे को दोनों में समय का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन में बस ये देखना पड़ेगा, वो दे ही रखा हुआ सब कुछ। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे कहे कि वो घर से ऑफिस जाता है 5 की स्पीड से, ऑफिस से घर आता है 10 की स्पीड से, एक बात बता रहा हूं, और टोटल टाइम उसे 5 घंटे लगता है। तो दोस्त यहां पर उसने टोटल टाइम दे दिया, मतलब आने जाने के समय का क्या दे दिया, समेशन दे दिया समय का, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। और कहे कि वो ऑफिस जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है इस स्पीड से जाए, और इस स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब क्या दे दिया उसने, समय का अंतर दे दिया, तो मैं पुराने वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। आ रही है बात समझ में दोस्त, नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद कर लेना, ये तो पता लगी के कैसे आए, जब क्वेश्चंस करेंगे जब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ट्रेन और ये चैप्टर हम काफी जल्दी निपटा देंगे, 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस करेंगे, हर तरीके के करेंगे, 17 मेंस में 18 मेंस में जो भी क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे, इस साल के प्री में 18 प्री में, ठीक है, सारे कवर करेंगे। ट्रेन्स, ट्रेन्स में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्या बात ध्यान रखनी है ट्रेन्स में दोस्त, ट्रेन में एक तो रिलेटिव स्पीड का यूज खूब होगा, मतलब सब क्वेश्चन में तो नहीं, जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां भी 2 ट्रेन की बात हो रही होगी या एक आदमी एक ट्रेन की बात हो रही होगी, वहां रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। अब ट्रेन में आपको क्या बात याद रखनी है, जब ट्रेन किसी आदमी पोल या किलोमीटर स्टोन इस तरीके की ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही होगी, तो ट्रेन को क्या डिस्टेंस कवर करना होगा, ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, जब ट्रेन कोई आदमी या पोल या किलोमीटर स्टोन कुछ भी दे रखा हो इस तरीके का उसे कवर कर रही होगी, तो उस ट्रेन को अपनी डिस्टेंस अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यदि ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म कोई ब्रिज इस तरीके की कोई मतलब जिसके कुछ लेंथ है सिग्निफिकेंट लेंथ है उसे कवर कर रही होगी, तो जो ट्रेन है उसको अपनी लेंथ प्लस उस
ऑब्जेक्ट की लेंथ जो भी दे रखा है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज वगैरह, मतलब जिसकी भी कोई सिग्निफिकेंट लेंथ है, उन दोनों की लेंथ को मिला के वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यदि दो ट्रेन, कोई ट्रेन दूसरी ही ट्रेन को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, दैट डजंट मैटर, वो फिर रिलेटिव स्पीड की बात हो गई। किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो उसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना होगा, उस अपनी मतलब उस ट्रेन के डिस्टेंस, सॉरी उस ट्रेन की लेंथ प्लस जिस ट्रेन को उसने क्रॉस किया है उस ट्रेन की लेंथ, तो दोनों का मिला के जो लेंथ है वो डिस्टेंस कवर करना होगा। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या कहा मैंने, कोई मैन पोल को कवर कर रही है या किलोमीटर डिस्टेंस तो अपनी लेंथ, ब्रिज और या प्लेटफॉर्म वगैरह को कवर कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस ब्रिज और प्लेटफॉर्म की, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस कराना है कवर नहीं, क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ को उसे कवर करना है, मतलब वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यही कॉन्सेप्ट है ट्रेन का और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। रिलेटिव स्पीड हमें पता ही है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट मतलब डिफरेंस और अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन। अब उदय एक और लास्ट चीज है, किसी सर्कुलर ग्राउंड के आसपास बच्ची दौड़ रही है या कोई भी दौड़ रहा है, मान लो ए बी सी ये तीन आदमी हैं, ये दौड़ रही है, यहां से स्टार्ट कर रहा, तो पूछ ले कि वापस ये कितनी देर बाद यहीं पर मिलेंगे, तो इस केस इसमें हमें टाइम पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होगा, यहाँ टाइम ही दे रखा होगा कि इसे पूरा ये क्या कहते हैं पूरा सर्कल कवर करने में, जो भी है सर्कुलर ग्राउंड वगैरह जो भी है, ट्रैक वगैरह जो भी दे रखा है, कवर करने में इसे दे दिया 10 मिनट लगते हैं, इसे 15 मिनट लगते हैं, इसे 20 मिनट, तो पूछ लेगा कि ये दोबारा यहाँ पर कब मिलेंगे, तो जितना टाइम लग रहा है उनका क्या लेना है मुझे एलसीएम। कभी कभी यहाँ डायरेक्ट टाइम नहीं देगा, दे देगा ये इसका डिस्टेंस दे देगा कि ये 100 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 10, इसकी स्पीड दे दी मान लो 5, इसकी स्पीड दे दी 10, इसकी 15, तो ये कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। तो दोस्त इस केस में यहाँ मुझे डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं टाइम निकालूंगा कि इसे एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना लग रहा है, सी को कितना लग रहा है, टाइम निकाल के उनका एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि वो दोबारा इसी पोजिशन पर इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के तरीके, इसी के साथ हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें वो फिनिश हो जाती है। एक हमारा बोट एंड स्ट्रीम हम अलग करेंगे और रेसेस के क्वेश्चंस भी हम अलग कराएंगे, ठीक है, और सब हमने इसमें फिनिश कर लिया है कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन अभी एक भी नहीं किया है, 100 क्वेश्चन मतलब मिनिमम 100 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार दोनों क्लासेस को देखना है, क्योंकि वहां पर फिर कॉन्सेप्ट यूज होंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, धन्यवाद।